सेंट एंसलम स्कूल में नवीं की छात्रा के साथ आपत्तिजनक मैसेज और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी जूनियर फादर जॉर्जेस ब्रिटो को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर अरावली विहार थाना पुलिस ने छात्रा के 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी जूनियर फादर की गिरफ्तारी पर पुलिस की शिथिलता के आरोप लगाए। सेंट एंसलम में बुधवार को जब पीड़िता के परिजन और मोहल्ले वासियों ने जूनियर फादर जॉर्जेस ब्रिटो के खिलाफ छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और अश्लील हरकतों के आरोप में जमकर हंगामा किया तो सूचना मिलने पर अरावली और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। पुलिस ने देर रात दोसा के लाल थोड़ से उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि अभी तक आरोपी से पूछताछ होने के चलते गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। गुरुवार को पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए। कल जो सेंट एंसलम स्कूल का जो मामला है लड़की को छेड़ने का और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का, उस बाबत आज जो पीड़िता लड़की है उसके माननीय न्यायालय में 164 के बयान कराए गए हैं। आरोपी से अनुसंधान करना बाकी है। आरोपी को अनुसंधान करके बाद में जो भी कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग रखी। साथ ही आरोपी के साथ पुलिस द्वारा नरमी बरते जाने के आरोप लगाए। हिंदू समाज के साथ जो ईसाईकरण हुआ जा रहा है उसका ज्वलंत उदाहरण कल संत एंसलम स्कूल में पकड़ा गया और उसमें 14 साल की बच्ची के साथ जो उन्होंने मैसेज दिए, अश्लील मैसेज दिए, उसका जब विरोध करने के लिए उसको प्रशासन बचाने के लिए उतारू था, पुलिस प्रशासन उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, उसमें जब हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे जो वहाँ के पार्षद हैं उन्होंने उसका विरोध किया तो पुलिस ने और उल्टा उनको पर ही मुकदमे लगा दिए। न कि अपराधी को गिरफ्तार करने के अलावा हमारे लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया। इस विरोध में हम उसका ज्ञापन देने जा रहे हैं।